आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमारा वॉर रूम जो है काफी पहले सेटअप हो चुका था। इसमें जो है हमारे चेयरमैन, हमारे को चेयरमैन और एआईसीसी से जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो मुझे संभाला गया है। इसके अतिरिक्त जो 4 डेस्क ना है प्रत्येक लोकसभा के लिए वो भी हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। और आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि हमने इसमें प्रेस में ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं दी है ना प्रचार किया है, आपकी जानकारी के लिए जब आपने ये प्रश्न पूछा है तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, हमारी प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में जो है आदरणीय प्रतिभा सिंह जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 3 मीटिंग हमने फिजिकल यहाँ पर बीच बीच में ले ली है और सभी जितने भी हमारे नियुक्त हुए थे इसमें वॉर रूम में पदाधिकारी वो सभी यहाँ पर प्रेजेंट थे। और समय समय पे एआईसीसी से हमारी जो ऑनलाइन मीटिंग होती है वो भी हमारी इसमें निरंतर चल रही है। और जो टास्क हमें दिया गया है एआईसीसी के द्वारा, आला कमान के द्वारा और पीसीसी के द्वारा, वो निरंतर हम जो है इसको कर रहे हैं, लेकिन इसका हम कोई प्रेस रिलीज नहीं देते हैं। यहाँ से बढ़कर मैं ये आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक लोकसभा सीट पे भी हम वहां पर एक रीजनल लेवल पे वॉर रूम सेटअप करेंगे, कंट्रोल रूम सेटअप करेंगे। और ये एक रूटीन प्रोसेस है, ये पहले भी हमने किया है 2019 के इलेक्शन में, 21 के इलेक्शन में, 22 के इलेक्शन में, और हमें इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अनुभव है और बहुत बढ़िया तरीके से ये चल रहा है। दावा करता हूँ वॉर रूम एआईसीसी कोऑर्डिनेटर होने के नाते कि 9 की 9 विधानसभा सीटें हम जीत के दिखाएंगे और 4-0 भी होगा, 4-0 कांग्रेस के पक्ष में होगा। थैंक यू। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।